प्रदेश भर में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के तत्वावधान में शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2 मार्च से शुरू हो गई। इस दौरान अल सुबह से विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। पर्चा हल करने के लिए परीक्षा केंद्र के बाहर लगे ब्लैक बोर्ड पर अपना रोल नंबर ढूंढते दिखाई दिए। हम आपको बता दें कि जिले भर के हजारों की तादाद में परीक्षार्थियों सोमवार की सुबह परीक्षा अपने परीक्षा केंद्र पर हजारों तादाद में जद्दोजहद करते दिखाई दिए। वहीं परीक्षा में शामिल होकर सभी ने अपना पहला पर्चा हल किया। खरगोन से रीति तिवारी की रिपोर्ट। कब? अभी हो गए। फिर तो बेटा लिखो कैसे अब? तो आपने आवेदन देना था ना, लिखने के लिए कोई बैठ जाता है। थोड़ा था टफ, लेकिन करा तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा लगा। आगामी परीक्षा को लेकर आपकी कैसी तैयारी है? अच्छी तैयारी है। कुछ मन में डर भय था? हाँ, थोड़ा था डर तो कि, बट पेपर देख के अच्छा लगा कि ठीक था, जैसा आना चाहिए था वैसा आया। क्या नाम लिखते हैं? उर्वशी सोनी। कौन सी क्लास? 12th क्लास। देखा था, कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया पेपर। हाँ, कहीं से क्वेश्चन वगैरह मिले? और क्वेश्चन मिले थे, बाकी बैठ गए थे थोड़े बहुत, मतलब अच्छा गया पेपर। कितने क्वेश्चन बैठे? क्वेश्चन मतलब बहुत सारे बैठ गए थे, अधिकतर बैठ गए थे। कितने क्वेश्चन आए थे टोटल? अपने 27-28 से आए थे। 28 क्वेश्चन। हाँ, तो ये जो पेपर आपको मिला था बाहर से, हाँ, बैठा, हाँ, उसमें कितने क्वेश्चन दिए थे और कितने बैठे? उसमें भी 27-28 बैठे थे, उसमें से करीबन 3-4 नहीं बैठे, बाकी सब बैठ गए। क्या नाम आपका? भूपेंद्र कुशवाहा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।